में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं गिरती जीडीपी पर पवार। कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून के इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के सफल घरेलू उत्पाद में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल से जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए गए, जो बेहद चिंताजनक है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंदी में भारत की अर्थव्यवस्था, कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर, अन्नदाताओं पर डूबती अर्थव्यवस्था का दारोमदार, जीडीपी में 40 साल की 23.9% रिकॉर्ड गिरावट, कोरोना महामारी के बीच देश और दुनिया की इकोनॉमी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। पहली तिमाही यानी अप्रैल जून की जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चिंताजनक है। जीडीपी में 40 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-2020 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च के दौरान ग्रोथ रेट 3.1% थी। जीडीपी में शामिल किए गए कुल 8 सेक्टर्स में से केवल एग्रीकल्चर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें बढ़त देखी गई है। बाकी के 7 सेक्टर्स में भारी गिरावट रही है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल जून के दौरान अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन खराब रहा है। सबसे अधिक प्रभाव निर्माण उद्योग पर पड़ा है, जो 50% से भी अधिक गिरा है। जीडीपी में कुल 8 सेक्टर्स में से एकमात्र कृषि सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.4% रही। माइनिंग सेक्टर में 23.3% की गिरावट दिखी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की गिरावट दिखी है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट में 50.2% की गिरावट आई है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर की वृद्धि दर में 47% की गिरावट दिखी है। गैस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूटिलिटी सेक्टर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों का मतलब ये है कि कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स ने खराब प्रदर्शन इस दौरान किया है। गिरावट की वजह साफ है कि इस तिमाही में 2 महीने यानी अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप रही है और जून में भी इसमें थोड़ी ही रफ्तार मिल पाई। इस वजह से रेटिंग एजेंसियों और इकोनॉमिस्ट ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि जून तिमाही के जीडीपी में 16-25% की गिरावट आ सकती है। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों, केंद्र और राज्य सरकारों के व्यय आंकड़ों, कृषि पैदावार और ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा आदि कारोबार के प्रदर्शन के आंकड़ों को देखते हुए ये आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारों की माने तो मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सेक्टर्स देश की जीडीपी में करीब 45% का योगदान रखते हैं और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर्स के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। एक साल के भीतर देश में बनाए जा रहे सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को दिखाती है। इससे पता चलता है कि देश का विकास किस तरह से हो रहा है। एनएसओ जीडीपी के आंकड़े हर तिमाही यानी साल में 4 बार जारी करता है। इसकी गणना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स के जरिए होती है। जीडीपी के आंकड़ों का आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो ये देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं।
इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छटनी की आशंका बढ़ जाती है। वहीं लोगों का बचत और निवेश भी कम हो जाता है। जीडीपी रेट में गिरावट का सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ता है। भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, इसलिए आर्थिक वृद्धि दर घटने का ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि लोगों की औसत आय घट जाती है, नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार घट जाती है। लॉकडाउन के बाद जीडीपी को पहली बार जारी किया गया है। अप्रैल से जून के बीच पूरी तरह से देश में लॉकडाउन था, इससे आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इसीलिए जून तिमाही के जीडीपी के आंकड़े से आगे की ग्रोथ रेट का पता चल सकेगा। हालांकि अब देश में अनलॉक है और आर्थिक गतिविधियां शर्तों के साथ शुरू हो गई हैं। ऐसे में आने वाली तिमाही में जीडीपी में सुधार की उम्मीद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया कन्नौज।